ग्रहों की कैसी भी चाल हो और कैसा भी काल हो, तू बस सत्य का स्मरण करना, सत्य का स्मरण करते रहना हर काल में और ग्रहों की हर चाल में, तू सबसे बेहतर काम करेगा। कोई प्रकार का संक्रमण तुझे छू भी नहीं पाएगा, कारण तेरे हृदय से निकल रहा है वो सत्य, और सत्य ही जीव जगत का आधार है, सत्य ही आधार है। तुम कोई भी रास्ते जाओगे, तुम आखिरी में सत्य को ही पाओगे, है ना। मूल सत्य है ना, इसीलिए इसका ध्यान रखना। और ये देवशयनी 11 से लेके देव उठनी 11 तक आषाढ़ी नवरात्र में वो 13 माह का संक्रमण काल, परिवर्तन काल ये प्रारंभ हो गया है। हम उस महापरिवर्तन काल में हम अपने दायित्व और कर्तव्यों को कर रहे हैं। इस महापरिवर्तन काल की इतनी तीव्रता है कि ज्ञानी भी उसकी गणना नहीं कर पाएगा, इतना तीव्र है ये परिवर्तन काल। ध्यान रखना, तुम्हारी अभिव्यक्ति गतिविधि या जो भी तुम्हारा कर्म है, प्रत्येक मानव के, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त क्या करेगा, ये काल महापरिवर्तन काल क्या करेगा, ये मानव का चित्त हो या देश दुनिया का मानचित्र हो, ये काल तुम्हारे चित्त पर गहरा प्रभाव डालेगा। ये बारंबार हम सावधान करते हैं कि इस काल में की गई अभिव्यक्ति गतिविधि यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे, मन स्थिर नहीं करोगे और मन की यदि एकाग्रता नहीं हो पाएगी, तो ये चित्त को गहरा प्रभाव डालेगा और चित्र का भी परिवर्तन करेगा। अच्छा और बुरा दोनों संक्रमण इसी 13 माह में होंगे, और इस 13 माह के ये 4 माह देव से 11 आज से देव उठनी 11 तक ये 4 महीने ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 4 महीने जो कहते हैं ना, साधु हो, संत हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, वो साधना करते हैं, वैसे ही गृहस्थ को भी हम वो ही सावधान करना चाहते कि ये 4 महीने तुम्हें बड़ी स्थिरता के साथ, सहजता के साथ, तुम गुरु की निकटता में, गोविंद की निकटता में, अपने इष्ट की निकटता में, तुम्हें बहुत सहजता और सरलता से अपने दायित्व और कर्तव्यों को करना है। और ध्यान रहे, इस परिवर्तन काल में खान पान का ध्यान रखना, आहार का ध्यान रखना और अपने व्यवहार का ध्यान रखना, मर्यादा बनी रहे, गुरु आज्ञा पर आप चलते रहें। निश्चित मानना ये महा